पीनियस मोनोडॉन, जिसको हम लोग टाइगर प्रॉन बोलते हैं। ऐसे तो बहुत सारा हमारे कॉमर्शियल प्रॉन का जो है, श्रिम्प का, पिनिडेई का, पिनिडेई और नॉन पिनिडेई तो समझ रहे हो तुम लोग, तो पिनिडेई का ही आता है ये। तो उसमें बहुत सारा कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पेसीज है जिसका नेम हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। पिनियस मोनोडॉन, पिनियस इंडिकस, मार्गवेंसिस, जपोनिकस, सेमिसेलकेटस, पिनियस सिलेटस, बेनामी है। जितने भी ये स्पेसीज हैं सबका साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम याद रखना है, ठीक है? यहाँ से ये क्वेश्चंस रहेगा, जेआरएफ में रहे तो या एक्सटर्नल में रहे तो, मिड टर्म में रहे तो क्वेश्चंस रहेगा यहाँ से, क्लियर? तो सबका कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम याद रखना है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसका हमको ब्रीडिंग के बारे में जानना है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो पिनियस मोनोडॉन है, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग भेनामी का, इंडिकस का थोड़ा बहुत जानते हैं, बट सारे का पैटर्न उसी को फॉलो करता है, थोड़ा बहुत का डिफरेंस है। तो मैं स्टार्ट करेंगे हम लोग पिनियस मोनोडॉन का। बट हम फिर से याद दिला रहे हैं कि आप लोगों को इसका कॉमन नेम एंड साइंटिफिक नेम याद रखना है, ठीक है? सो मोर देन 50 स्पेसीज एंड वैरायटी ऑफ श्रिम्प्स आर अवेलेबल, ठीक है? बट उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट सुटेबल्स है फॉर फार्मिंग के लिए, जिसको हम टाइगर श्रिम्प बोलते हैं, पिनियस मोनोडॉन्स, ये इंटरनेशनली ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में इसका कल्चर्स हो रहा है। और इसीलिए होता है क्योंकि ये कंज्यूमर प्रिफरेंस है, सबसे ज्यादा इसको कंज्यूमर प्रिफर करता है। ड्यू टू किसके कारण? टेस्ट के कारण और फास्टेस्ट ग्रोथ के कारण, ठीक है? कोई भी फार्मर्स जब कल्चर करेगा तो वो चाहता है कि उसको ज्यादा प्रॉफिट हो, और ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ होगा तभी तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो ड्यू टू फास्टेस्ट ग्रोथ, इसका साइज लार्ज होता है, यानी अराउंड 363 मिलीमीटर्स के अबाउट्स, और मोस्टली सबसे ज्यादा जो कल्चर होता है इसी का होता है। सो इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में पिनियस मोनोडॉन का स्पेसीज जो है, पिनियस इंडिकस है, पिनियस पेनिसिलेटस है, पिनियस सेमिसेलकेटस है, मार्गवेंसिस है, ये अदर स्पेसीज भी कल्चर होता है, बट सबसे ज्यादा मोनोडॉन का होता है। बट नाउ अभी की बात बोल रहे हैं, लास्ट 2 और 3 ईयर में पिनियस मोनोडॉन का कल्चर में डिक्लाइन हुआ है, क्योंकि लोग कल्चर करना छोड़ दिए हैं। किसके कारण? ड्यू टू डिजीज। वो डिजीज के कारण क्या हुआ कि धीरे धीरे वो लोग कल्चर करना शुरू कर दिए, लोग नया स्पेसीज को एडॉप्ट कर लिए, तो मोस्टली उसमें पिनियस भेनामी का कल्चर शुरू कर दिए। तो नेक्स्ट है हमारा कि सबसे ज्यादा कल्चर्स जो होता है पिनिडेई में, इंडिया में जो बात करेंगे वह है हमारा पिनियस मोनोडॉन। और इसको हम लोग बोल सकते हैं कि जो एक्वा कल्चर्स का जो इंडिया में है, पिनियस मोनोडॉन, पिनियस इंडिकस, वो पिलर फॉर श्रिम्प एक्वा कल्चर्स, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा कि जो ये तो हम बता दिए, फास्टेस्ट ग्रोथ, अटेंट लार्ज साइज एंड हाई रेसिस्टेंट हैंडलिंग्स एंड एक्सिबिट हायर सर्वाइबिलिटी रेट। अगर सर्वाइबिलिटी रेट भी कम होगी उसका भी कल्चर लोग नहीं करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली क्या चाहिए वो लोग को? प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट तो तभी हो सकता है जब सर्वाइबिलिटी होगा, फास्टेस्ट ग्रोथ होगा, रेसिस्टेंस हैंडलिंग होगा, यानी कहने का मतलब है कि अगर हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं या फिर कैचिंग कर रहे हैं तो वो रेसिस्टेंस को हैंडल कर सके और वो ज्यादा टाइम के लिए रेसिस्टेंस को, स्ट्रेस को रोक सके। यानी कहने का मतलब है कि ओवरऑल इन सब करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स को देखते हुए पिनियस मोनोडॉन का लोग कल्चर ज्यादा करते हैं। नेक्स्ट है हमारा लाइफ साइकिल। तो ओवरऑल लाइफ साइकिल की बात हम अभी कर रहे हैं, नेक्स्ट हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करते जाएंगे। तो पिनियस मोनोडॉन्स का ये 4-5 स्टेज है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये मैच्योर एडल्ट्स है, यानी कहने का मतलब है, मैच्योर एडल्ट कहने का है कि यहाँ पे वो स्पॉनिंग करेगा, यानी एक को रिलीज करेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं दो फेज, एक इस्चुरी फेज है, सेकेंड वन इज द मेराइन फेज, यानी कहने का मतलब है कि ये सी वाटर का है और ये इस्चुरी फेज का है। तो इसका ओवरऑल लाइफ साइकिल 2 फेज में कंप्लीट होता है, द फर्स्ट वन इज द मेराइन एंड सेकेंड वन इज द इस्चुरी फेज। तो मेराइन फेज में कौन कौन सा स्टेज होगा? तो मैच्योर एडल्ट, वेयर क्या करेगा वहां पे? वो स्पॉनिंग करेगा। तो स्पॉनिंग होगा, एग रिलीज होगा, फर्टिलाइज होगा, और इसका स्टेज जो होगा, नॉपलियस लार्वा, जुइया, माइसिस, एंड देन कम्स कन्वर्टेड इनटू पोस्ट लार्वल स्टेज। तो यहाँ से इसका स्टार्टिंग होता है कौन सा फेज? इस्चुरी फेज। क्लियरली, यानी दो फेज है, पहला है हमारा मेराइन फेज जिसमें कौन कौन सा आएगा? मेच्योर एडल्ट। यानी ऐसा नहीं है कि मेच्योर एडल्ट यही है, यहाँ पे जब मेच्योरिटी जब कंप्लीट स्टेज में आती है, जब उसका ब्रीडिंग स्टेज आता है, तो
तो वो मूव कर जाता है कहाँ पे, ऑफशोर की तरफ, जहां पे सैलिनिटी हाई होता है, जहां पे वो स्पॉनिंग करता है। अब यह जब स्पॉनिंग करेगा तो क्या होगा, इसका लार्वल स्टेज आएगा, बहुत सारा लार्वल स्टेज है, आगे हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम ओवरऑल सिर्फ लाइफ साइकिल बता रहे हैं। अब ये यहाँ पे जाएगा नॉपिलियस स्टेज में, जुइया में, माइसिस में, पोस्ट लार्वल स्टेज में, और ये पोस्ट लार्वल स्टेज का जो होता है माइग्रेशन शिफ्ट होने लगता है कहाँ पे, इस्चुरी में। ऐसा कुछ नहीं है कि वो स्पेसिफिक कुछ पर्पस है, बट होता क्या है कि जैसे जैसे हाई टाइड के कारण, वेव के कारण ये आ जाता है यहाँ पे, और इसके लिए ये बेनिफिशियल हो जाता है। बेनिफिशियल कहने का मतलब है कि जो इस्चुरी ग्राउंड्स है जहाँ पे ब्रैकिश वाटर है, ये बहुत सारा फूड का रिसोर्सेज यहाँ पे है। तो इसको दो पर्पस हो गया, एक तो ये माइग्रेट कर गया, मूव कर गया, यानी वेव के कारण, टाइड के कारण, और यहाँ पे इसकी फूड कैपेबिलिटी ज्यादा होने लगी, यानी उसका डिमांड भी फुलफिल होने लगा, इसका एक एडवांटेज हो जाता है। तो ये मेनली, ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि लाइफ साइकिल को डिस्क्राइब करें, तो ये ओवरऑल है, बट डिटेल हम लोग अभी देखेंगे, फिर आपको डिटेल एक्सप्लेन हो जाएगा। तो ये दो फेज है, कौन कौन सा स्टेज मेराइन में होगा, कौन कौन सा स्टेज इस्चुरी में होगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी। रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी कहने का सेंस है कि उसका एज ऑफ, कहने का मतलब है कि मैच्योरिटी कब वो गेन करता है, किस साइज में वो मैच्योरिटी अटेंड करता है। तो इसमें बहुत सारा कॉन्ट्राडिक्शंस है, बट मोस्ट एक्सेप्टेबल जो है, पहला तो है मोटो का और दूसरा है हमारा प्राइमेवोरा का। तो पहला जो है ये बताता है कि मेल का जो कैरापिस होता है, कैरापिस लेंथ आप लोग जानते हैं, कैरापिस लेंथ किसको बोलते हैं, ये जो लेंथ होता है इसको हम लोग कैरापिस लेंथ बोल रहे हैं, क्लियर। तो बोल रहा है कि जो कैरापिस लेंथ होता है मैच्योर मेल का, वो 30 मिलीमीटर होगा, दैट मीन्स कि वो मैच्योर हो गया है। नेक्स्ट है यदि उसका बॉडी साइज 35 ग्राम हो, यानी दोनों हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो ये अकॉर्डिंग टू मोटो के 1980 में बताया था, बट फीमेल के लिए बताया कि कैरापिस लेंथ क्या होगा, मेल से ज्यादा होगा, यानी 47 मिलीमीटर, बट उसका वेट कितना होना चाहिए, 68 ग्राम, तब ये मैच्योर होगा। लेकिन ये कौन सा कंडीशंस में है, वाइल्ड कंडीशन। अगर वाइल्ड में कैरापिस लेंथ 37 मिलीमीटर होगा और बॉडी वेट ग्राम 35 ग्राम होगा, फीमेल का कैरापिस लेंथ 47 मिलीमीटर होगा और बॉडी वेट 68 ग्राम होगा, तो इसको हम लोग मैच्योर बोल सकते हैं और ये मैच्योरिटी अटेंड कर लेता है उस समय। बट इन द कंडीशंस ऑफ, कहाँ पे, जब यदि हम फार्म पे कर रहे हैं, तो वो बोल रहा है कि फार्म पर यदि 31 मिलीमीटर का हो जाता है तो वो मैच्योरिटी अटेंड कर लेता है, और बॉडी वेट जो होता है वो कितना, 20 ग्राम्स। फीमेल का कैरापिस लेंथ 39 मिलीमीटर एंड बॉडी लेंथ, बॉडी वेट कितना, 41.3, ये अटेंड कर लेता है। दो कंडीशंस है। सेकंड है हमारा प्राइमोवोरा के अकॉर्डिंग टू 1988 में दिया था, ये बताया था कि सिमिलर कंडीशन से बताया कि कैरापिस लेंथ 38.5 और बॉडी वेट 40 ग्राम इन कंडीशंस ऑफ वाइल्ड, बट इन द कंडीशंस ऑफ फार्म में 46 मिलीमीटर बॉडी, क्या बोलते हैं, कैरापिस लेंथ और बॉडी वेट कितना वो बताया, 40 ग्राम, क्लियर। तो ये है दो कंडीशंस, बट ओवरऑल कितना दिख रहा है आपको, मोर देन 30, मोर देन 50 ग्राम, मोर देन 30 मिलीमीटर। तो एक रेंज है, ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक यही आएगा तो आंसर मारना है, आपको इस रेंज में होगा, तो आप देख सकते हैं कि किस एज में, किस कैरापिस लेंथ में और कौन सा साइज में वो अपना मैच्योरिटी अटेंड करता है, वो कंडीशंस अलग अलग है। बट समटाइम्स अगर आपको आता है कि इसके अकॉर्डिंग टू क्या है और प्राइमोवोरा के अकॉर्डिंग टू क्या है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, बट ओवरऑल अगर रेंज याद रखते हैं तो आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यू नो कि टेस्टिस लोकेटेड कहाँ पे होगा, तो सिफेलोथोरक्स में होगा, और ये लोकेट करता है एबव द हेपेटोपैनक्रियास। हेपेटोपैनक्रियास का लोकेशन हम बताएंगे, ये आपका है मोनोडोन का ओवरऑल, यहाँ पे ये देखिए आपका ये हेपेटोपैनक्रियास है, ये हार्ट का लोकेशन है, ये स्टोमेच यहाँ पे रहता है, तो यहाँ पे ये लोकेट करेगा। इस पिक्चर में आप देखिए कि ये हेपेटोपैनक्रियास है और यहाँ पे ये टेस्टिस लोकेट होता है, क्लियर। अब क्या है कि जो टेस्टिस होता है वो डिफरेंट लोब्स होते हैं, यानी उसमें 5-6 लोब्स होते हैं जो कंपोज होते हैं और वो ट्रांसल्यूसेंट होते हैं, जितने भी लोब होते हैं वो आपस में अटैच होते हैं और ट्रांसल्यूसेंट होते हैं, और वो कहाँ पे लीड करता है, वो भैसा डिफरेंस पे, और भैसा डिफरेंस जो होता है वो टर्मिनेट्स करता है मस्कुलर पोर्शंस पे, यानी वो जब बेस ऑफ पीरियोपोड, यानी 5th पीरियोपोड का जो बेस होता है, कॉक्सा जिसको बोलते हैं, वहां पे वो टर्मिनेट्स करता है।
और वहां पे एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं हम लोग स्पर्मेटोफोर, जहां पे स्टोर करता है किसको, स्पर्म को। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा हिपेटोपेनक्रियाज है, दिस इज द लोकेशन ऑफ टेस्टिस, और ये कनेक्ट होता है वैसा डिफरेंस है, और यहाँ पे टर्मिनल एम्पुला होता है, हियर देख सकते हैं आप, यहाँ पे स्पर्मेटोफोर्म होता है जहां पे ये स्पर्म को स्टोर करता है। और ये कौन सा पीरियोपोड है, तो फिफ्थ पीरियोपोड से मेल के कंडीशन में, ये ध्यान रखना है, अभी हम फीमेल में देखेंगे। और ये ओवरऑल टेस्टिस का स्ट्रक्चर से टेस्टिस है, डिफरेंट लोब्स है, 5-6 लोब्स होते हैं, और ये लास्ट लोब होता है वहां से कनेक्ट होता है वैसा डिफरेंस, और फिर टर्मिनेट करता है टर्मिना एम्पुला पे, जिसको हम लोग स्पर्मेटोफोर बोलते हैं, लोब लाइक स्ट्रक्चर से। क्लियर है ये। नेक्स्ट है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जो है ओवरी पेयर होता है, ठीक है, और ये पार्शियली फ्यूज होता है, कंप्लीटली फ्यूज नहीं होता है, पार्शियली फ्यूज होता है, और ये पूरे बॉडी में एक्सटेंड करता है, इंटायर लेंथ जो होता है, जो मैच्योर होता है वो पूरे बॉडी में एक्सटेंड करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये पूरा ये एक्सटेंड कर रहा है लास्ट तक। तो ये ओवरी जो होता है जिसमें दो लोब मेनली होता है, एंटेरियर लोब एंड लैटरल लोब, ठीक है, बट कहने का मतलब है कि जो एंटेरियर लोब है, ये देखिए एंटेरियर लोब अपर साइड्स में होगा, ये फिर ये एक्सटेंड करते चला जाएगा लोअर साइड्स में। क्लियर। और ये भी जो होता है हिपेटोपेनक्रियाज के डॉर्सल साइड्स में लोकेटेड होता है, ठीक है, और ये डॉर्सोलेटरल साइड्स के इंटेस्टाइन्स के डॉर्सोलेटरल साइड्स में, यानी हिपेटोपेनक्रियाज के डॉर्सल साइड्स में। ये देखिए यहाँ पे हमारा हिपेटोपेनक्रियाज है, और ये लोकेशन है किसका, ओवरी का, और ये ऐसा नहीं कि ओवरी ऐसा ही रहेगा, ये पूरा एक्सटेंड करता है इस तरह से, ठीक है। तो ये जो इंटेस्टाइन होगा ये डॉर्सल लेटरल साइड्स में होगा, बट यहाँ पे डॉर्सल साइड्स ऑफ पैनक्रियाज, ये लोकेशंस कभी कभी पूछ देते हैं कि वेयर इज द पोजीशंस ऑफ ओवरी, वेयर इज द पोजीशंस ऑफ टेस्टिस। अब जो इसका जो ओविडक्ट जो ओरिजिनेट होता है, वो ओरिजिनेट होता है द बेस ऑफ क्या बोलते हैं, सॉरी सिक्स लेटरल लोब से। ये जो लोब है ये देखिए, ये सिक्स लेटरल लोब 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस लोब से ओरिजिनेट होगा, और कहाँ पे ये टर्मिनेट करता है, तो थर्ड पीरियोपोड्स में। पीरियोपोड किसको बोलते हैं, आप लोग को पता होगा किसको बोलते हैं पीरियोपोड, एनीबॉडी? हाँ बताइए। वॉकिंग, स्विमिंग की वॉकिंग, वॉकिंग वॉकिंग वॉकिंग, ठीक है। तो ये टर्मिनेट करे कहाँ पे, थर्ड पीरियोपोड्स में, यानी मेल में कहाँ पे था, फिफ्थ में, और फीमेल में कहाँ पे था, थर्ड्स में। ये ध्यान रखिएगा, डिफरेंस भी पूछता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल्स। नेक्स्ट है हमारा, ये डिफरेंट मैच्योरिटी स्टेज है ओवरी का, स्टेज 1, 2, 3, 4 एंड कहीं कहीं पे फिफ्थ स्टेज भी होता है, आगे हम देखते हैं अभी। ये ओवरऑल जब हम डाइसेक्शंस करके देखेंगे तो ओवरी का ये देखिए यहाँ पे लोब टाइप्स है, और ये फिर एक्सटेंड करेगा, तो इधर इंटेस्टाइनल रीजन है, और यहाँ पे हिपेटोपेनक्रियाज रीजन है, यहाँ पे दिखता है। नेक्स्ट है हमारा ओवेरियन डेवलपमेंट। तो ओवेरियन डेवलपमेंट्स का डिफरेंट स्टेजेस है, इसको हम लोग कहीं कहीं पे 4 और कहीं कहीं पे 5 होगा। तो ये डेवलपमेंट स्टेज जो होता है वो डिफरेंट कलर पे, शेप्स पे, और डिफरेंट टेक्सचर्स के बेसिस पर है। तो ओवरऑल हम बात करेंगे डिफरेंट स्टेजेस की, स्टेज 1 में क्या होगा, स्टेज 2 में क्या होगा। तो स्टेज 1 की बात करेंगे तो उसको हम लोग इमैच्योर बोलते हैं। जब इमैच्योर क्या बोलते हैं, ओवरी होगा, तो ऑब्वियसली है कि वो थिन होगा और अनपिगमेंटेड होगा और ट्रांसपेरेंट भी होगा, ठीक है। और जब हम इसको देखेंगे डॉर्सल साइड से, ऊपर से डॉर्सल एक्सोस्केलेटन से, तो ये हमें नहीं दिखेगा, क्योंकि वह स्टार्टिंग से बहुत थीन है, वो क्लियरली नहीं दिखता है। जब हम थोड़ा सा मैच्योरिटी की बात करेंगे, ईयरली मैच्योरिटी की, तो ईयरली मैच्योरिटी में क्या होता है कि वो सॉफ्ट रहता है, ठीक है, वो टाइट नहीं रहेगा, बट इसका जो कलर होता है वाइट टू लाइट येलो टू येलो ग्रीन इन कलर, थोड़ा सा कलर में चेंजिंग आएगा, क्लियरली। अब क्या होगा कि ये लिनियरली एक बैंड के जैसा दिखेगा, ये थोड़ा बहुत दिख सकता है, नहीं भी दिख सकता है, थोड़ा थोड़ा विजिबल होने लगता है ऊपर से हम लोग देखते हैं तो। नेक्स्ट है कि इसी स्टेज में योक ग्रेन्यूल्स फॉर्म करने लगता है, योक ग्रेन्यूल्स क्या बोलते हैं, प्रोटीनस सबस्टांस है जो सिंथेसाइज होता है कहाँ पे, उस साइड्स में, यानी कहने का मतलब है कि जो साइटोप्लाज्म है उस साइड्स का, वहां पे योक ग्रेन्यूल्स का फॉर्मेशन होने लगता है, कौन सा स्टेज में, स्टेज 2 में। अब क्या है कि इस स्टेज में क्या होता है कि एक एक्स ऑर्गेन होता है, एक्स ऑर्गेन आप लोग देखे हैं, एक्स ऑर्गेन का पोजीशंस इन मोनोडॉन में, ये देखिए ये अटैच होता है आईज के किसके साथ, साइनस के साथ। तो आई
के साथ अटैच होगा, तो उस समय एक्स ऑर्गन क्या करता है कि ओवेरियन डेवलपमेंट को प्रिवेंट करता है, क्योंकि यह ओवरी इनहिबिटरी हार्मोन को सिंथेसाइज करता है, एट दिस स्टेज वो सिंथेसाइज करने लगता है। तो क्या करते हैं हम लोग, आप लोग सुने होंगे आई स्टॉक एब्लेशंस, उसमें करते क्या है कि हम लोग आई को ही रिमूव करते हैं, क्योंकि ये जो साइनस एक्स ऑर्गन है बहुत स्मॉल होता है, तो इसके साथ ये अटैच होता है, यहीं पे साइनस ग्लैंड्स होता है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि रिमूव करते हैं। आइदर हम लोग यूनिलैटरल कर सकते हैं या फिर बायलैटरल भी कर सकते हैं, बट ओवरऑल जो जनरली हम लोग करते हैं और मोस्ट पॉपुलर है यूनिलैटरल है। यूनिलैटरल कहने का मतलब है कि वन आई नॉट टू। अब हम टू आई के करेंगे तो ज्यादा स्ट्रेस में आ जाएगा, हो सकता है सर्वेबिलिटी कम हो जाए, तो हमारा कोई नहीं। अब क्या है कि इस स्टेज में वन आई को हम लोग रिमूव करते हैं, जिससे एक्स ऑर्गन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। जब एक्स ऑर्गन रिमूव हो जाएगा तो जो हमारा ओवेरियन इनहिबिटरी हार्मोन है उसका सिक्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्या होगा उस समय, ओवरी डेवलपमेंट ज्यादा होने लगेगा। क्लियर है ये? अब है हमारा लेट मैच्योरिटी स्टेज, यानी कहने का मतलब है कि इस समय मैच्योरिटी आ गई है, तो जब मैच्योरिटी आ जाएगी दैट मीन्स कि उसमें क्या बोल सकते हैं उसको, योक ग्रैनुल्स का डिपोजिशन ज्यादा होने लगेगा और वो ओपेक होने लगेगा, यानी कहने का मतलब है कि उसको हम लोग नेकेड आई से भी देख सकते हैं, ठीक डार्क हो जाएगा, लीनियर बैंड दिखेगा, ठीक है, और योक का डिपोजिशन इसमें ज्यादा होगा एट दिस स्टेज में, यानी कहाँ पे, टू प्लाज्म में। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज में कहने का मतलब है कि ओवरी जो होता है वो डार्क ग्रीन कलर का हो जाएगा। पहले ही बोले हैं कि येलो व्हाइट येलो से कहा जाता है वो ग्रीनिश कलर के, तो ये किसके कारण होता है, तो इसमें पिगमेंटेशन शुरू हो जाता है, यानी कैरेटिनॉइड पिगमेंटेशन के कारण इसका कलर जो होता है डार्क ग्रीन होने लगता है। अब क्या है कि जो डार्क ग्रीन होगा तो ये एक डिस्टिंक्ट डायमीटर शेप्स का एक शेप क्रिएट करता है, जिसको हम लोग सैडल बोलते हैं, क्योंकि वो क्या बोल सकते हैं उसको, जो एक्यूमुलेशन हो गया कैरेटिनॉइड पिगमेंट्स का, योक ग्रेन्यूल्स का, तो एक सैडल टाइप्स का स्ट्रक्चर्स बन सकता है, यानी कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स वगैरह का फॉर्मेशन यहाँ पे क्लियरली हो जाता है, यानी कंप्लीट होने लगता है। अब क्या है कि जो ओसाइट्स होता है रिलीज करता है कहाँ पे, ओविडक्ट्स में, ड्यूरिंग किस समय, ओवुलेशन के समय। जो ओसाइट्स होता है, जो ओवा होता है, वो रिलीज करता है किसमें, ओविडक्ट्स में, दैट द टाइम ऑफ ओवुलेशन। तो ओव्यूलेशन या ओविपोजिशन बोल सकते हैं, यानी कहने का मतलब है कि रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओविडक्ट इनटू वाटर, ओव्यूलेशन। देख लीजिए, ओव्यूलेशन का मतलब होता है कि रिलीज ऑफ एग फ्रॉम कहां से, ये रिलीज होने लगता है फ्रॉम एग फ्रॉम ओविडक्ट इनटू वाटर्स। क्लियरली, तो ये है हमारा मैच्योरिटी स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज 1, 2, 3, 4। यानी कहने का मतलब है कि मैच्योरिटी स्टेज 1 इज द इमैच्योर, सेकेंड वन इज एयरली मैच्योर, थर्ड वन इज द लेट मैच्योरिंग स्टेज, फोर्थ वन इज द मैच्योर स्टेज, लास्ट है हमारा इफ द सपोज दैट मैच्योरेशन इज नॉट कम्प्लीटेड। यानी कहने का मतलब है स्पेंस, यानी कह सकते हैं हम लोग कि वो रिकवरी होने लगता है, इमैच्योर कंडीशंस में आ जाता है, यानी वो थिन लीनियर हो जाएगा, या फिर बोल सकते हैं कि हम लोग अगर वो रिलीज कर दिया एक को तब, ये हमारा लास्ट स्टेज है। यह है ओवरऑल पिक्चोरियल डायग्राम्स, इमैच्योर, एयरली मैच्योर, लेट राइपिंग हो गया, यहाँ पे देखिए कंप्लीट स्पॉनिंग हो जाएगा तो ये वैकेंट हो जाएगा, बट अगर पार्शियल होता है तो ऐसा होगा, अगर पार्शियल होगा तो ऐसा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कितना वो रिलीज कर रहा है एक को। अब आते हैं हम लोग सेक्सुअल डायमॉर्फिजम्स पे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल्स। तो द फर्स्ट ऑफ ऑल्स क्या हमारा डिफरेंस है कि देखिए यहाँ पे कि तो पिटास्मा है और एक है थैलेकम, ठीक है। तो आप देखिएगा कि मेल का जो यहाँ पे जो होता है क्या बोलते हैं ये, क्या कौन सा बोलते हैं इसको, प्रियोपोड या पिलियोपोड, प्रियोपोड्स। तो जो मेल होता है उसमें पिटास्मा प्रेजेंट होता है, ठीक है, और ये पिटास्मा का फॉर्मेशन होता है वो इंडोपोडाइट से होता है, फर्स्ट पिलियोपोड्स ऑफ द इंडोपोडाइट, जिसके कारण वो पिटास्मा का फॉर्मेशन होता है। बट फीमेल के केस में क्या है कि पिटास्मा अब्सेंट होता है। मेल के केस में क्या है, अपेंडिक्स मैस्कुला इज द प्रेजेंट, अपेंडिक्स मैस्कुला, ये देखिए ये सेकेंड्स पिलियोपोर्ट्स है, वहां पे ये प्रेजेंट्स है, सेकेंड पिलियोपोर्ट्स पे ये थिक मैस्कुलर स्ट्रक्चर्स है जिसको हम लोग मैस्कुलिना बोलते हैं, अपेंडिक्स मैस्कुला, वो मेल में प्रेजेंट होगा और फीमेल में अब्सेंट होता है। गोनोपोर लोकेटेड होता है थर्ड वॉकिंग लेग में, बट
जो गोनोपोर मेल में लोकेटेड होता है वो फिफ्थ वॉकिंग लेग पे प्रेजेंट होता है। मेल का साइज जनरली स्मॉल होता है बट फीमेल का साइज जनरली क्या होगा वो लार्जर होता है एज कंपेयर टू मेल्स। तो ये है डिफरेंस मेल एंड फीमेल्स में। ये देखिए ये हम बोले हैं कि फीमेल में क्या होगा थैलेकम, देख लीजिए यहाँ पे कि फीमेल में थैलेकम्स होगा बट मेल में क्या होगा पीटास्मा होगा। तो ये स्ट्रक्चर सर हाँ तो ये देखिए मेल में क्या कहाँ पे लोकेटेड होगा और फीमेल में कहाँ पे लोकेटेड होगा। ये देखिए मैस्कुलिना प्रेजेंट्स होगा सेकेंड पिलियोपोड्स में, तो ये हम डिफरेंस बताएं। मैचिंग की बात मैटिंग की बात करेंगे तो मैटिंग जो होता है यूजुअली अकर्स करता है हार्ट सेल्स मेल्स में और फ्रेशली मोल्टेड फीमेल्स के बीच में, ठीक है। इस समय क्या होता है कि जो स्पर्मेटोफोर का इंसर्शन होता है किसमें फीमेल्स में, फीमेल्स में कौन सा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है हम बताए हैं फीमेल्स में थैलेकम होता है, तो जो इसका स्पर्मेटोफोर है यहाँ पे इंसर्शन करेगा मैटिंग के समय, क्लियरली। तो जो स्पर्मेटोफोर है वो कहाँ पे रिलीज करेगा थैलेकम में बाय एक्सटर्नली वर्टिकली वो पोजीशंस क्रिएट करता है दैट टाइम वो रिलीज करता है कहाँ पे थैलेकम। नेक्स्ट है हमारा ब्रीडिंग सीजन। ब्रीडिंग सीजन की बात कीजिएगा तो थ्रू आउट ईयर होता है बट टू प्रोनाउंस्ड स्पॉनिंग सीजन्स है फ्रॉम दिसंबर टू मार्च एंड जून टू सेप्टेम्बर, ठीक है। बट अदर स्पेसीज है जैसे पिनियस मार्गवेंसिस है पिनियस इंडिकस है उसका एक ही प्रोनाउंस पीरियड है फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। ये हम जनरली बात किए हैं किसका मोनोडॉन का जिसमें दो आता है दो पीरियड आता है एक तो दिसंबर टू मार्च और सेकेंड वन इज जून टू सेप्टेम्बर। बट अदर स्पेसीज की बात कीजिएगा तो जून टू जो हमारा ये है पिनियस मार्गवेंसिस पिनियन इंडिकस वो वन टाइम ही ब्रीड करता है थ्रू आउट द ईयर जून टू सेप्टेम्बर, क्लियरली। और जो स्पॉनिंग्स है ऐसा नहीं है वो थ्रू आउट द ईयर रहता है वो कर सकता है और जनरली लेके स्पॉनिंग सीजन्स में ही करेगा। तो ओवरऑल यही है हमें लग रहा है कि समझ में आया हो क्लियरली, कहीं पे भी हमको डाउट तो नहीं लगा है। फिर भी अगर एनी डाउट्स है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आगे का पोर्शन जो है जैसे फेकेंडिटी कितना है लार्वल स्टेज का डेवलपमेंट मतलब कौन कौन सा स्टेज है लार्वल स्टेज उसका साइज क्या होगा इंक्यूबेशन पीरियड क्या है फीडिंग क्या है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। बताइए कोई डाउट है तो बोलिए।